हम शारीरिक सेहत की बहुत बातें करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये पुरुषों की सेहत का सप्ताह है। हम अक्सर सेहत के दो सबसे बड़े मुद्दों की बात नहीं करते, वे हैं आध्यात्मिक और मानसिक सेहत। तो सद्गुरु, अगर योग के हिसाब से देखें तो क्या आप एक योगी के नजरिए से हमें मानसिक सेहत का महत्व समझा सकते हैं? नमस्कारम, आप कैसे हैं दोस्त? ए मैथ्यू, क्या मेरा लहजा ऑस्ट्रेलियाई था? मुझे यकीन है कि नहीं था। आपने पिछली बार मुझे ट्रेनिंग देने की कोशिश की थी, पर शायद मैं सीख नहीं पाया। तो पुरुषों का स्वास्थ्य यानी हेल्थ, हेल्थ शब्द का मूल है होल यानी संपूर्ण। स्वस्थ होने के एहसास का मतलब है संपूर्ण होना, अपने भीतर पूर्णता की भावना। ऐसा होने के लिए हमारा शरीर जीवंत होना चाहिए, भौतिक ऊर्जाएं जीवंत होनी चाहिए, मन खुश होना चाहिए, भावनाओं में उमंग होनी चाहिए, तभी आप पूर्णता की भावना महसूस करते हैं। बस रोग मुक्त होना और डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित किया जाना कि आप स्वस्थ हैं, ये काफी नहीं है, क्योंकि आप में सेहत की उमंग होनी चाहिए। आपको सेहत की तरंग पर सवार होना चाहिए। यह तभी संभव है जब आप इन चारों आयामों, शरीर, मन, भावना और ऊर्जा को उल्लासित तरीके से मैनेज करते हैं। योग की एक पूरी प्रणाली है, योग विज्ञान की एक पूरी प्रणाली है। मैंने योग कहा, इसलिए अपने दोस्तों को डराना मत, वो सोचेंगे कि योग में मुड़ना और उल्टा लटकना होगा। ये वो योग नहीं है। योग मतलब आपने शरीर की सीमाओं को एक तरह से तोड़ दिया और आप थोड़े अधिक छेददार हो गए कि आप शरीर की भौतिक सीमाओं से परे जीवन को महसूस कर पा रहे हैं। मतलब आप हमेशा उत्साही और ऊर्जावान हैं, क्योंकि जीवन ऐसा ही है, क्योंकि वातावरण में जो है उसे हम सांसों से ग्रहण कर रहे हैं। हम जीवित हैं क्योंकि हम भोजन खाते हैं, हम पानी पीते हैं, यही एकमात्र कारण है कि हम जीवित हैं। पर जीवन सिर्फ सांस, खाने और पाचन से नहीं चल रहा है। इस शरीर का हर छेद, इस शरीर की हर कोशिका, यहां तक कि सूक्ष्माणु भी ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों से निरंतर संपर्क में है। योग का अर्थ है कि आप सचेतन रूप से इसका अनुभव करते हैं। जब आप अनुभव करते हैं कि आपका जीवन सिर्फ इस छोटे से शरीर में बंधा नहीं है, बल्कि उससे बहुत आगे है, आपके शारीरिक और मानसिक आयाम एक सीमा नहीं है, बल्कि एक बड़ी संभावना के लिए सीढ़ियां हैं। जब यह आपके जीवन में एक जीवित सच्चाई बन जाती है, तब आप योग में हैं। योग को जीने से ही सेहत प्राप्ति की जा सकती है। जब मैं कहता हूं योग को जीना, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग योग का या योग के किसी प्रणाली का अभ्यास कर रहे हैं, केवल वही लोग योग का अनुभव कर रहे हैं। आपने सूर्योदय को देखा और आप उससे जुड़ गए, ये योग है। आप समुद्र में तैरने गए थे और आप वास्तव में उसके साथ एक हो गए, ये योग है। हर सांस के साथ आप दुनिया के साथ एक हो रहे हैं। हर कदम धरती पर रखते हुए आप उसके साथ एक हो रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप योग में हैं। तो इस योग को व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है, यानी आप धीरे धीरे अपने शरीर, मन, भावना और ऊर्जा पर इस तरह से काम कर सकते हैं कि वो लगातार इस अनुभव के लिए खुले रहें। हर इंसान ने किसी न किसी रूप में योग का अनुभव किया है, किसी न किसी चीज के साथ मिलन का अनुभव किया है, पर यह कायम नहीं रहता। अब एक संपूर्ण विज्ञान है ये देखने के लिए कि आप अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि मिलन का यह अनुभव, जो आपके जीवन में हमेशा सबसे गहरा अनुभव होता है, आपके जीवन के हर पल का एक जीवंत अनुभव बन जाए, तब आप वास्तव में स्वस्थ होंगे। ये मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि सभी ऑस्ट्रेलियाई पुरुष वाकई स्वस्थ बने।